साथियों, बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, ना कहीं मीडिया में चर्चा, ना कहीं समाज में चर्चा हो रही है। आज तक के सबसे बुरे हालात रोजगार के, यानी कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी दर हरियाणा और देश की हमारे सामने है। CMII की रिपोर्ट आई है साथियों, जो जून महीने के बेरोजगारी के आंकड़े हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक एक नौजवान साथी इन आंकड़ों को ध्यान से सुने। पिछले महीने अगर मई की बात हम करें तो 7.12% बेरोजगारी देश में थी, जो जून महीने में बढ़कर के 7.80% हो गई है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन पूरे देश में लगातार बना हुआ है। और हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें तो मई में जो 24.6% थे, वो जून में लगभग 6% बढ़कर के 30.6% हो गए हैं। और साथियों, आपको हैरानी होगी कि सरकार कर क्या रही है। 19 साल का हर दूसरा नौजवान हरियाणा में बेरोजगार है। बड़ी हैरानी की बात है, ये आंकड़े चिंता व्यक्त करने वाले हैं। हमारा युवा कहां जा रहा है, रोजगार कहां जा रहा है, बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं? हरियाणा में 50,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, 50,000 पद खाली हैं, और यह आज तक की सबसे बड़ी दर है। कारण है, ना कोई नई भर्ती निकल रही है, लगातार प्राइवेट सेक्टर में छटनी की जा रही है। दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी के पास कोई जवाब है तो वो हरियाणा के बेरोजगारों को देने का काम करें। यहां तक कि अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, छोटा सा उदाहरण है, दूसरे राज्यों के रिटायर्ड कर्मचारियों को हरियाणा में मौका दिया जा रहा है। हरियाणा में HTET पास 2.5 लाख से ज्यादा भाई बहन हैं, और विरोध होने के बाद भी 1 जुलाई से पोर्टल खोल दिया कि दूसरे राज्यों के रिटायर्ड कर्मचारी यहां अप्लाई करें शिक्षा विभाग के लिए।